वो अपना सा। साला अगर एक गोली से असर नहीं तो कांड हो जाएगा। चार पांच डाल देता हूँ। आपके आशीर्वाद के बिना मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू नहीं कर सकता। मैं नशा से बहुत प्यार करता हूँ, मर जाऊंगा उसके बिना। आप सब सुखी रही, खुश रही, मैं चलता हूँ। उसे वो पानी पीने से रोकिए। क्यों? अगर उसने एक से ज्यादा गोली पानी में मिलाई है तो उसकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अर्जुन, 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 तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन प्लीज उठो। अर्जुन, मैं प्रॉपर्टी के कागजात साइन नहीं करूंगा। मैं मेरी बात तो सुनिए ना। नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी बात। मैं सिर्फ जिया की बात सुनूंगा। जिया जहां बोलेगी मैं वहां साइन करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे आग 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 लग गई। अरे निशा, निशा बचाओ। बाबा साहब हट जाइए वहां से। अरे बचाओ मुझे। अर्जुन, जानवी वो औरत है जो मेरी और आदि की जिंदगी के बीच की दीवार बन गई। तो क्या किया तुमने जानवी के साथ? मैं कुलदेवी के मंदिर गई और वहां मैंने जानवी और आदि को एक साथ देखा। मैंने उन दोनों को, हाँ बोलो बोलो, उन दोनों को मैंने अपने हाथों से चाहती क्या हो तुम? तुम्हें और अमीर बनाना चाहती हूँ। बदले में तुम्हारी मदद चाहिए और थोड़ी सी वफादारी। हम दोनों जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो। तो कहो, मेरी हेल्प करोगे? करना क्या होगा मुझे? वही जो तुम अर्जुन के साथ करती हो। उसकी यादों को मैनिपुलेट करती हो, उसके दिमाग के साथ खेलती हो, निशा के कहने पर उससे वो बुलवाती हो जो निशा चाहती है। सेम वे तुम्हें निशा के साथ भी वही करना होगा। ये लीजिए पानी पीजिए। पापा साहब तुम पीछे रहो। चिन्नी काकी मां प्लीज जल्दी आइए। पापा साहब दादू प्लीज, दादू की तबीयत खराब। दादू बाबा साहब, बाबा साहब क्या हो रहा? जल्दी डॉक्टर को फोन करो प्लीज। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से बाबा साहब, आराम से, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाबा साहब, दादू, बाबा साहब, बाबा साहब, मुझसे प्रॉब्लम है ना? मेरे साथ जो करना है करो। बाबा साहब को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? क्योंकि प्रॉब्लम तो एक्चुअली मुझे उस बुड्ढे से है। इतने साल मैंने उसकी देखभाल की, दिन रात उनका ख्याल रखा, लेकिन मुझे क्या मिला? जब तक बुड्ढा जिंदा है मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। तो फिर ऑप्शन क्या बचता है मेरे पास? बाबा साहब के मरने के बाद यह प्रॉपर्टी आदि के नाम हो जाएगी और आदि की विधवा होने के नाते यह प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। जीते जी ना सही, मरकर ही बाबा साहब को ये प्रॉपर्टी मेरे हवाले करनी होगी। और अब फैसला तुम्हारा है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। एक घंटा ऑलरेडी निकल चुका है, सिर्फ 5 बजे तक का टाइम है। अरे चिंता मत करो, दवाई ले आया मैं। अर्जुन कुछ नहीं होगा, बाबा साहब ठीक हो जाएंगे। निशा ने कीमत मांगी कि अगर बाबा साहब प्रॉपर्टी के पेपर साइन करेंगे तो ही वो बच पाएंगे। कैसी पगलेटों वाली बातें कर रही हो? हाँ अर्जुन, बाबा साहब ने जो दवाई खाई है उसका असर खत्म करने के लिए दूसरी दवाई खानी पड़ेगी जो सिर्फ निशा के पास है। और वो कह रही है जब तक बाबा साहब प्रॉपर्टी के पेपर साइन नहीं करेंगे वो दवाई नहीं देगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, 4 घंटे है सिर्फ, कैसे ठीक होंगे बाबा साहब? आई डोंट नो। अर्जुन ऐसे क्यों चला गया बिना कुछ कहे? कहीं निशा ने अर्जुन को ऑलरेडी प्लान के बारे में तो नहीं बता दिया? कोर्ट में क्या करूं, कैसे बाबा साहब की जान बचाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
बाबा साहब ठीक है ना? हाँ। जिया सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, वो भी तब जब इन प्रॉपर्टी पेपर्स पर तुम बाबा साहब का सिग्नेचर दिलवाओगी। क्या तो हरी आप बाबा साहब मुझे माफ कर दीजिए, आपकी जिंदगी भर की कमाई आज मैं आपसे मांग रही हूँ, प्लीज इस पर साइन चले जाए। एक मिनट। मैंने प्रॉमिस किया था कि प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाऊंगी, बदले में तुम्हें मुझे बाबा साहब की जिंदगी लौटानी होगी। जरूरत से ज्यादा समझदार हो तुम। नो प्रॉब्लम। ये लीजिए, आप जल्दी से पी लीजिए। इस घर से निकलने से पहले 1, 2, 3 ये तीनों नमूनों को अपने साथ लेकर इस घर से चली जाओ। नमूना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, एक बार ठीक से ये पेपर्स तो पढ़ लो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई अभी था? रुक, ये अब मुझे क्यों रोक रहा है? शक तो नहीं हो गया? महक, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैं महक नहीं वंदना हूँ। आपकी इसी पागलपन की वजह से ना मेरे परिवार वालों ने बहुत दुख देखे और आज उन्हीं दुखों का मुआवजा मांगने आए। मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए अभी के अभी। करण सर है दी, जो अपने आप में ऊपर वाले का वन पीस प्रोडक्शन है। अरे उनके जैसा कौन है? मतलब हर लड़की तो यही चाहेगी ना कि करण सर सिर्फ उसी के बन के रहे। ओ प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं। पता नहीं तुझे करण में ऐसा क्या खास दिखता है जो तू ये डॉक्टर के सामने अगर मेरी पोल खुल जाती तो उनको दिया हुआ वचन कैसे पूरा करती? आ रहा हूं मैं सीता मैया, आपको फिर से उठा ले जाने। जानती हूँ कि ये झूठ बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये झूठ खुला तो सबकी जिंदगी बिखर जाएगी। इससे पहले नरेन मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाए, मैजिक शो के बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें ऋषिकेश के लिए लौटना ही होगा।